हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वेदानुलेखा किचन रेसिपी। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज का मेरा रेसिपी है अचार, जिसे मैंने बहुत ही इजी वे में बनाया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत कम तेल में मैंने इसे बनाया है। और जो मूली, गाजर और हमारी मिर्ची है, उसका अचार है, जिसे हम साल भर रख के आराम से इसे खा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें मैंने कैसे फटाफट इसे डाला है। तो यहाँ पर लिया है मैंने लगभग आधा केजी गाजर और मूली लिया है, जिससे मैं इसे अच्छे से छील लूँगी। ये देखिए, आपको एक पिलर लेना है और अच्छे से इसे हम छील लेंगे। फटाफट इसे हम छील के छिलके अच्छे से निकाल लेंगे, दोनों को अच्छे से छील के हम बढ़िया तरीके से इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए, आपको ऐसे छीलना है और बढ़िया सा इसे हम छोटे छोटे जो टुकड़े आते हैं मीडियम साइज़ में, हम उसे काट लेंगे। तो फटाफट मैंने इसे काट लिया है। ये देखिए, इस साइज़ के मैंने इसे काटे हैं और आपको जिस भी शेप में इसे काटना है आप इसे काट सकते हैं। अब मैं इसमें मटन मिला लूँगी फटाफट से। दो चीज़ें जो हमारी मेन है, ये है नमक, लगभग एक चम्मच मैंने नमक लिया है, और इसमें अब मैं मिला दूँगी लगभग एक चम्मच हल्दी। तो हल्दी और नमक मिला के हम इसे थोड़ी देर छोड़ देंगे अच्छे से मिक्स करके, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो जितने भी मूली और गाजर में एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो निकल जाएगा, जिससे कि हमारा अचार लंबे समय तक चल सके। अब इसको और लंबे समय तक आपको चलाना है तो इसे आप दो दिन धूप में रखिए। तो मैं इसे देखिए एक स्ट्रेनर में डाल के इसे नीचे प्लेट रख के रख दूँगी। तो दूसरे स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया एक पैन, इसमें मैंने डाले हैं दो बड़े चम्मच पीली सरसों, जो हम मोस्टली अचार में डालते हैं, जिसके छिलके निकले रहते हैं, और दो चम्मच यहाँ पर मैं लूँगी सौंफ, और इसे अच्छे से हम कर लेंगे रोस्ट। इसे हल्का हल्का आपको भूजना है, बिल्कुल गैस की लो फ्लेम में, इसे हाई फ्लेम में मत भूजिएगा, इसे जलाना नहीं है। इसे अच्छे से हम भूज के, ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए, और इसे हम साइड में रख लेंगे। अब दूसरे टाइम में मैं लूँगी जो मुझे बनाने हैं अपने मसाले अचार के, तीन बड़े चम्मच ये हमारे धनिया के दाने, धनिया के दाने होते हैं, और दो चम्मच मैं लूँगी हमारे मेथी के दाने, और ये मैंने लिया है दो बड़े चम्मच सौंफ के दाने लेना है, एक बड़ा चम्मच हमारे जो राई के दाने लेना है, राई का आपका एक ही चम्मच लेना है, क्योंकि हम राई ऑलरेडी पहले भी ले चुके हैं, और ये दो चम्मच सौंफ डाल के हम इसे भी अच्छे से भूज लेंगे। इसे भी आपको हल्का हल्का भूजना है, भूजने से क्या इसकी महक बहुत अच्छी आएगी, और इसे आप भूज के इसे हम अच्छे सा एक पाउडर रेडी कर लेंगे। जो मसाला हमारा अचार का पाउडर रहता है, हम उसे रेडी कर लेंगे। पहले तो हम इसे गैस की लो फ्लेम में भूजेंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी मिर्च, आपके जो कश्मीरी लाल मिर्च हो तो आप वो डालिए, अदरवाइज आप सिंपल भी मिर्च डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने खड़ी दो मिर्च ही ली है, और इसे भूज के आप देखिए ठंडा करके मैं इसे पाउडर रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैंने देखिए ठंडा कर लिया है इसे, और ये ले लिया एक मिक्सर जार, और इसमें डाल के अब मैं इसका पाउडर कर लूँगी रेडी। ये हो चुका है पाउडर मेरा रेडी, तो बढ़िया सा। अब चलते हम इस नेक्स्ट स्टेप में। ये देखिए, बढ़िया सा पाउडर हो गया रेडी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर लगभग 100 ग्राम सरसों का तेल लिया है, जिसे मैं अच्छे से गरम करूँ। तो ये गरम हो चुका है, यहाँ देखिए मेरा जो पानी छोड़ दिया है, ये देखिए आपके जो मैंने नमक मिला के रखा था, बढ़िया सा इसने पानी पूरा छोड़ दिया है, और आप चाहे तो इसे दो दिन धूप में भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने बारीक कटी हुई मिर्च ली है, बारीक नहीं, मैंने इसे लंबे लंबे काट लिए हैं, और ये मिर्च इसमें मैं ऐड करूँगी। तो ये तेल हो गया है ठंडा। अब इसे ठंडा करने के बाद, हल्का सा ठंडा करने के बाद, हल्का हल्का गर्म रहेगा ये, और इसमें मैं अब रेडी किया हुआ जो पाउडर है ना, मसाला पाउडर, वो ऐड कर दूँगी। ये देखिए, ये हल्का सा इसमें आपको तेल को गर्म रखना है, ताकि मसाला इसमें हल्का हल्का भुज जाए, जले ना। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें पहले मिला देते हैं हम जीरा पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर मिला दिया है मैंने, और इसमें मैं मिला दूँगी थोड़ा सा काला नमक और मैंगो पाउडर, अमचूर माने जो मैंने मैंगो पाउडर लिया है वो मिलाया है, और काला नमक एक चम्मच मिलाया है। तो ऑलरेडी हमने नमक मिलाया है, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा, और हींग मिला के आप आधा चम्मच हींग मिला के मैं इसे कर दूँगी अच्छे से
मिक्स। तो ये हो गया है बढ़िया तरीके से हमारा मसाला तैयार। अब इसमें थोड़ा सा और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ मसाले जो हमने रेडी करके रखे थे, पीली सरसों और सौंफ को जो मैंने भूज के रखा था खड़ा, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से हम कर देंगे मिक्स। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में, जिसे हम इसमें मिक्स करेंगे मूली गाजर में। इसमें मैंने ले लिया है मिर्ची जो मैंने लंबी लंबी काट के रखी थी। अब इसमें रेडी किया हुआ जो मैंने तेल वाला मसाला है वो उसे ऐड कर दूँगी और अच्छे से हम कर देंगे मिक्स। अब इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर देती हूँ लाल मिर्च का पाउडर, जिससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और तीखापन भी रहेगा। तो एक चम्मच से एक से दो आप ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए तो बढ़िया सा इसमें आ गया है कलर, और बहुत अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। और इसके बाद ही हम इसे किसी जार में या फिर कांच की किसी भी बॉटल में बर्नी में भर के इसे रख देंगे। तो ये देखिए बढ़िया सा हो गया है इसमें अब मिक्स। दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी अदर वीडियोस दी है, प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी पूरी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये हो गया है बढ़िया तरीके से मिक्स। अब मैं इसे भर दूँगी एक जार में। यहाँ पर लिया है मैंने एक जार। आप कोई भी, मैंने घर में आपकी कोई भी अगर जैम वगैरह की सीसी वगैरह भी हो तो आप उसमें डाल के इसे रख सकते हैं, और इसे हम रख के स्टोर कर सकते हैं साल भर और आराम से खा सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया खट्टापन इसमें बहुत बढ़िया आता है, बहुत बढ़िया लगता है ये अचार। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।